अस्सलामुअलैकुम, की हाल है तुम्हारा सारा दा? उम्मीद है तुम सारे हंस रहे होंगे, मुस्कुराते पे होंगे, खुश होंगे। भाई मैं तो ना, मैं अभी नहा कर आई हूँ, सारे मेरे बाल गीले 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 बाल। कोई बात नहीं। अच्छा आज मैं कहीं जा रही हूँ भाई। आज आप लोग कहेंगे यार ये लड़की इतना खिलखिला क्यों रही है। अबे जल्दी बोल, मैं आप लोगों को बताती हूँ यार। अरे वो इंसान इतना खुश होते हैं ना जब इंसान अपने लिए कोई चीज लेने जा रहा। ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर ये बता दिया तो आप बाकी वीडियो क्यों देखेंगे। पॉइंट, अगर इतनी अकल मैं टेंथ में होती तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आ जाते। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करती। चलो चलते हैं, और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे तो आप सारे बहुत प्यारे, समझ रहे हो, मुझे पता है इस बात का, लेकिन और प्यारे कैसे लग सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलें। नहीं ये मैं पैदल चलते चलते जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वो जगह मेरे घर से बहुत करीब है। ये देखे चलते चलते मुझे क्या चीज नजर आई है, याद आया भाई, इसी वजह से तुम लोग आज घूम गए हो इस झूले में बैठ बैठ के घूमे हुए लोग। तो ये मैं पहुंच गई अल फतेह। तो चलते हैं भाई अंदर। जी, जो सबसे अहम मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यार, हम लोग मुंह के ऊपर जितना मर्जी कुछ लगा ले, हजारों की चीजें लगा ले, लाखों की चीजें लगा ले, लेकिन जब तक हमारा अच्छा इनटेक नहीं होगा, हम चाहे ग्लोइंग सीरम लें, हाइड्रोजीना के फेस वॉशेस लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, लेकिन जब तक आप लोग अच्छा खाएंगे नहीं ना, तब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बाकी चीजें भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, जिनका हमने बहुत ज्यादा यूज करना है अपनी जिंदगी में, तो हम वो चीज लेंगे और उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे। ओके तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ हम लेंगे वेजिटेबल्स। ओके इतने प्यारे प्यारे सारे, इतनी रंग बिरंगी सी चीजें, दिल करे सारा कुछ ही ले लो। अच्छा जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले ना आप लोगों ने अपनी स्किन अच्छी करने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले तो टीथ ब्रश करने है, उसके बाद अपना फेस वॉश करना है, और उसके बाद सबसे पहले जो आपने अपनी डाइट में चीज लेनी है वो लेनी है एक बहुत अच्छा सा सैलेड का बाउल, और उस सैलेड में आपके होने चाहिए कैरेट, ये कैबेज, और ये कैप्सिकम होनी चाहिए, और ये कुकम्बर होना चाहिए, और पीस भी हो जाए मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो डालती हूँ और मैं अभी लूँगी भी। और हाँ आई ऑल्सो इंक्लूड दिस टोमेटोज और लेमन हो, लेमन हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनियन ऑन योर चॉइस। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ और मैं ये लूँगी, ठीक है, ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें आप लोग फॉर योर टेस्ट आप लोग इसमें सोया सॉस और विनेगर और ब्लैक वो क्या कहते हैं चिली सॉस थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर लें, और ब्लैक पेपर अगर आप लोग ऐड कर लें तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर क्या ही बात है। और सब छोड़ें, ये देखें मैंने अभी सबसे अच्छी चीज़ क्या देखी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी रेड पेपर एंड जस्ट येलो वन, हम ये भी लेंगे। तो चलें लेते हैं जी। जी वेजिटेबल्स तो हम लोगों ने ले ली हैं, मतलब मैंने ले ली हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने जब सुबह उठना है ना, सबसे पहले शक्ल जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर ब्रश ना किया हो ना तो ऐसी शक्ल का कोई फायदा नहीं होता। तो अब इसके बाद हम लेंगे सबसे पहले ब्रश। वैसे तो मेरे पास ब्रश है, जाहिर बात है ब्रश तो मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा एक नया सा ब्रश भी ले लें, तो हम थोड़ा सा कोई अच्छा ब्रश भी लेते हैं, पिंक से कलर का, एज आई एम अ गर्ल, सो दिस वन। तो ये मैं आ गई हूँ अपने मतलब की जगह पर, ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले भाई जो सबसे ज़रूरी होता है ना स्किन केयर में, वो होता है सब सुबह उठकर मुंह धोना, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। यार ये इतना अच्छा है ना, मैं कैसे बताऊं कि ये कितना अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फेस वॉशेस पड़े हैं, लेकिन मैं क्या ही कहूँ यार, मेरे कहने पे एक दफ़ा ये हाइड्रोजीना का ये फेस वॉश ज़रूर इस्तेमाल किएगा। खैर चलते हैं आगे। और ये मुझे अपनी सांसों की तरह इस चीज़ से मोहब्बत है भाई, यार ये इतनी अच्छी है ना, ये आपके होंठों को इतना नरम बना देती है, और इवन इससे होंठ भी काले नहीं होते, तो ये भी लेते हैं। ओके फेस वॉश के बाद जो सबसे मेरे लिए इनिशियल चीज़ है ना, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए शावर लेना होता है, और उसके लिए जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़, खुशबूदार चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यू शुड यूज़ गाइज, यू शुड जस्ट लुक हैव अ लुक ऑन दिस थिंग। ये देखिए जी ये, और इसमें ये
यार, ओ गिर गई। ये देख यार क्या ही इसकी फ्रेग्रेंस है और क्या ही ये चीज़ है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ना ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर अच्छा ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा भी हो तब भी बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ से मैं आ गया हूँ, तो ये आप लोग देखें, ये है शैम्पूस। और अच्छा जी, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो किधर गया? हाँ ये देख यार क्या ही बात है इसकी, ये देख। और इसी का कंडीशनर है वो ये है, ये अभी मैं लेती हूँ। ये ऑयल्स का सेक्शन है, और ये ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये क्या ही बात है इस ब्रांड की, CBC और इस ऑयल की, यार लाइक आई जस्ट लव दिस। वैसे मुझे कोकोनट ऑयल पहले आमतौर पे हम लोगों ने फैसलाबाद से निकलवाया था, जहाँ से ऑयल निकलते, वो मुझे सूट नहीं किया था। तो जब मैंने ये लिया था तो मुझे बहुत ही वो था कि ये भी नहीं करेगा, लेकिन और जाते जाते मैं इंचेंटर का रोल ऑन कैसे भूल सकती हूँ, और वो भी ये वाला ना। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ इवन अबाउट माई फूड्स, सो लाइक माई फूड्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन माई फेस इज़ फॉर मी। मेरी साड़ी एसेसरीज ये वाली गुम चुकी हैं, इसलिए ये मैं यहाँ से साड़ी लेने लगी हूँ। सो हेयर आई गो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं यार। ये भी मैंने लिया है, ठीक है, प्राइस है 258। और नेल कटर कौन सा इनमें से अच्छा, जो अच्छा ये ठीक है, प्राइस है भाई, ओए 400 का नेल कटर है भाई, चेक करो। सो अगेन आई लॉस्ट माई वुड कॉम, सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू वन, सो लेट्स गो। ओके आई एम बैक। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये लड़की बदली गई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, असल में जो मैंने ये सारी वीडियो बनाई है और ये स्किन केयर रूटीन की, ये कल की है, और ये मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताना भूल गई हूँ, कि मैं शैम्पू, वो एक ऑल्टरनेट था जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मेरी एज में जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने वो शैम्पू दिखाया। असल में मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन बेबी का, तो वो इतने लोग नहीं करते, तो उसका ऑल्टरनेट ये सबसे बेहतरीन था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। दूसरा यार, मैंने एक बात आप लोगों को बतानी थी, मुझे पता है कि मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में ये सीरम ये ब्ला 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 ये चीज़ें नहीं दिखाई हैं, और ना ही मैं ये ज़्यादा सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ इधर उधर की। मैं ज़्यादा अब आके ना मैं इस चीज़ पे रिलाय करती हूँ कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, थोड़ी बहुत नहीं, इसका भी बिल बहुत बन गया था, खैर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये लोग आप ये चीज़ें आप लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर लेकर आएं, और अगर ये आप लोगों को अफेक्ट नहीं करती हैं, आप लोग को मुझे लगता है ये हर स्किन के टोन के मुताबिक ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने इतना ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं, मतलब जैसे कि फेस वॉश है और शॉवर जेल है और बाकी हर चीज़ जो भी मतलब ऑयल वगैरह सब कुछ। आई जस्ट कांट टेल यू गाइस, इतनी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और हाँ, जॉनसन बेबी का शैम्पू भी इस्तेमाल करके देखिए 2 से 3 दफ़ा, आप लोगों के बाल इतने स्मूथ इतने अच्छे हो जाएंगे ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इतना अच्छा तो बनता है ना, है ना। बाय बाय, टेक केयर।